सर, आपका इंट्रोडक्शन हमने लास्ट टाइम उधर आपको निकलते हुए देखा फॉर राइडिंग. तो अभी आफ्टर कमिंग बैक, हाउ आर यू फीलिंग और कितने लोग को आप यहाँ लेके आए हो? जब हम लोग शुरू किया था तो आप लोग तो था ही उधर. हम लोग सेकेंड को यहाँ से मैं निकला था, तो उसके बाद इट बीन 28 डेज अभी. तो शुरू का जो राइड था वन वीक तक तो बहुत तकलीफ हुआ, बाइक ने प्रॉब्लम दिया, फिर फिजिकल हेल्थ भी थोड़ा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है बार बार, गर्म से ठंडा, ठंडा से फिर गर्म, ऐसे करके फिर बाइक भी बहुत परेशान कर रहा था. तो ऐसे करके तो एक हफ्ता बाद बाइक को भी समझ में आ गया कि क्या है, क्या प्रॉब्लम है, कहाँ में प्रॉब्लम है, क्या चलाना, ऐसे करके उसके बाद तो अभी फ्लो में है. और अभी हम लोग यहाँ में आए हैं कुल मिला के नियर अबाउट 85, और हम लोग लगभग 16 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटोरीज ख़त्म करके आया है. तो हम लोग का और बचा हुआ है नियर अबाउट 50 डेज. तो अभी ईटानगर के बाद अब लोग कहाँ कहाँ मूव ऑन करने? ईटानगर के बाद जैसे कि हमने नॉर्थ ईस्ट का सब. Not everything in life needs an effort. Some things are just as easy as a click. Now get your favorite food at your doorstep from the best restaurants in your city. Served hot straight from the kitchens of your favorite eateries to the plates in your homes, just with the touch of your fingertips. We at AP Eats are all set to fulfill your craziest food cravings. So, what are you waiting for? Order now from AP Eats, the fastest online food delivery service of Arunachal. COD and online payments are also available. Download the app now. सबसे पहले हिट किया था स्टेट हमने सिक्किम, सिक्किम के बाद असम, उसके बाद अरुणाचल. अभी इंटायर नॉर्थ ईस्ट हमें कंप्लीट करना है. आई थिंक यहाँ से है दिमापुर, दिमापुर के बाद नागालैंड करके, मणिपुर करके, उसके लास्ट नॉर्थ ईस्टर्न है त्रिपुरा. त्रिपुरा से फिर हम बंगाल से साउथ आउट होके उस तरफ फिर करेंगे. फिर आप जैसे एक लोन राइडर हो हमारे अरुणाचल, होल अरुणाचल प्रदेश को आप रिप्रेजेंट करके जाते हो, तो मैं आपके साथ, और आपने बोला कि मॉडर्न इटीज और आपके लोग साथ में है, तो कितना तकलीफ रहा होगा आपको उनके यू नो फूड में, उनका उनको अडाप्ट करने में, तो क्या क्या चीज़ जो है वो आप बताना चाहते हैं? हाँ वही, ये जब शुरू में मैंने यहाँ से शुरू किया था तो मेरा मिक्स फीलिंग था. मिक्स फीलिंग ये था कि क्या ये राइड मेरा से कंप्लीट हो पाएगा, क्या ये लोग का साथ हम मैच हो पाएगा, क्या ये लोग का फूड आइटम्स को हम ये करेगा डाइजेस्ट कर पाएगा, मेरे लिए फिट होगा नहीं होगा, ऐसे करके जब मैं पहुंचा दिल्ली, दिल्ली पहुंचने के बाद जब दिल्ली में एक दो दिन इनसे मिला, सबसे मिलने मिलने के बाद में तो मतलब अच्छा लगा माहौल. एवरीबडी इज़ वेरी कोऑपरेटिंग, एवरीबडी इज़ वेरी हेल्पिंग नेचर, हर कोई एक दूसरा को हेल्प करता है. तो इसलिए मतलब कहीं कहीं ऐसे हुआ, कुछ नागालैंड के कुछ ये थे, उनने चकना वकना लेके आया, तो हम लोग उससे मतलब खा के, खाना वाना खा के एडजस्ट करके चल गए. अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबसे एडजस्ट हो गया तो खाना वाना चल जाता है. बिल्कुल. और यू हैव सेड कि मोर 50 डेज है, तो मे बी कोई कोई यूथ जो है उनको राइडिंग बहुत पसंद है लेकिन वो निकल नहीं पा रहे, उनका कोई एंजाइटी है वगैरह, तो इन लोगों को के लिए आप क्या मैसेज छोड़ना चाहोगे? देखिए, सबसे पहले तो राइडिंग मेरा पैशन था पहले से, बचपन से. तो मैंने उस पेशन को क्या किया कि जो मेरा एक ड्रीम था कि हाँ चलो मैं एक लंबा राइड करूँ, ऑल इंडिया राइड मारूँ या ऑल ये इंटरनेशनल मारूँ, ऐसे एक मैंने पेशन रख के तो राइडिंग को मैंने क्या किया कि अपना जॉब होते हुए भी, जॉब को भी मैंने किया और राइडिंग को भी मैंने नहीं छोड़ा. तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो यूथ को, राइडिंग जो सिर्फ बाइक चलाना नहीं होता है, राइडिंग मतलब आप बाइक में बैठा बूम किया निकल गया ये नहीं होता. राइडिंग में आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलता है, कहीं बाइक पंक्चर हो गया, पंक्चर को कैसे मैनेज करना है, दुकान नहीं है, कहीं बाइक ख़राब हो गया, वो सामान कहाँ से लाना है, किससे किसको बात करना है. हम लोग हर बार नया नया स्टेट जाता है, हर स्टेट का अलग अलग कल्चर होता है, अलग अलग आदमी का नेचर होता है, उसको कैसे कंप्रोमाइज़ करके बात करना है. तो ये सब राइडिंग में बहुत सारा इंक्लूड होता है, पर्सनालिटी आपको बहुत चेंजेस आता है. हम भी पहले ऐसे नहीं था लेकिन अभी राइडिंग में घुसने का था, हम ऐसे लगता है कि हमको हम खुद पॉजिटिवली हम बहुत चेंज हुआ है. अभी आपका जैसे आप एक क्लब मेंबर भी हो एबीसी के, तो आपका बुलेट क्लब ने कितना साथ दिया यहाँ से आपको निकलते हुए और अभी तक? नहीं, जैसे कि एबीसी इज़ ऑलवेज डियर फॉर मी, नॉट ओनली फॉर मी, फॉर एवरी राइडर्स, नॉट ओनली एबीसी राइडर्स, फॉर एवरी राइडर्स इन द वर्ल्ड देयर इज एबीसी हमेशा रहा. और शुरू से लेके मोटिवेशनल वर्ड्स, इवन हमको मदद भी किया बहुत सारा, बाइक कहीं ख़राब हो गया उधर फ़ोन करके, इधर फ़ोन करके सामान मंगवा दिया वो कर, तो एबीसी इज़ ऑल ओवर देयर, तो हमेशा हेल्प किया शुरू से लेके अभी तक कर रहा है. और आई